हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। इनेलो नेता और पूर्व विधायक अभय चौटाला ने महम विधायक बलराज कुंडू के घर हुई छापेमारी को लेकर कहा कि सरकार छापेमारी कर लोगों को परेशान कर रही है। अभय चौटाला ने कहा कि जिसने गलत काम नहीं किया उसे डरने की जरूरत नहीं, बलराज कुंडू को डटकर मुकाबला करना चाहिए। वहीं बढ़ती महंगाई पर बोलते हुए अभय चौटाला ने कहा कि तेल कंपनियां लगातार मनमानी करने पर आमादा हैं और देश का प्रधानमंत्री आज देश को बेचने में लगा है। वहीं अभय चौटाला ने जेजेपी पर भी हमला बोला। मेरे घर पे भी अनेक बार रेड हुई है, कोई नहीं, आपने पूछा जाके उन लोगों से भी वो क्या कहेंगे इसके ऊपर। कभी हमारे ईडी वाले आ गए, कभी सीबीआई वाले आ गए, कभी सरकार ने इनकम टैक्स वालों को भेज दिया। ये सरकार सबको डराने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन अगर किसी ने गलत काम नहीं किया है तो मेरे ख्याल उसको डरने की जरूरत नहीं, मजबूती से लड़ना चाहिए। इंडियन ऑयल कंपनी ना बेची जाती तो फिर आज पेट्रोल डीजल के रेट इस तरह थोड़े बढ़ते। अगर सरकार इनको, अंबानी को, अडानी को, इसको आपके ये जो अलग अलग और दो तीन पेट्रोल की कंपनियां जो है, अगर इनको छूट ना देते तो फिर ये अपनी मनमर्जी कैसे करते। आज मनमर्जी हो इनकी, इसके लिए प्रधानमंत्री का बयान आपने शायद देखा नहीं। प्रधानमंत्री ने आज ये कहा है कि जितनी भी हमारी कोई कंपनियां जो है कोई लॉस में चल रही है, हमें उन कंपनियों को प्राइवेट हाथों में दे देना चाहिए। जेजेपी वालों ने तो डिमांड करी थी पीपली लाठी चार्ज की, कि इसकी इंक्वायरी हो, होगी इंक्वायरी। वो तो कह रहे थे चौधरी देवीलाल के पीठ पे लठ लगे हैं, किसान के नहीं लगे हैं, चौधरी देवीलाल के वारिस जिंदा हैं। उन्होंने तो चौधरी देवीलाल की नीतियों को बेच दिया, लेकिन चौधरी देवीलाल ने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पौधा लगाया था।